नशे का नाश, देश का विकास। जमात इस्लामी हिंद और नशाबंदी मंडल के जेर एहतमाम महाराष्ट्र के 36 जिलों में नशा मुक्ति मुहिम का आगाज। आजाद मैदान से गेट ऑफ इंडिया तक 1 अक्टूबर को नशा मुखालिफ रैली, 2 अक्टूबर को नशा मुखालिफ जलसा आम। महाराष्ट्र की जनता से अपील, अगर आपको वोटिंग करना है तो उस पार्टी को वोट दे जो पार्टी नशा मुक्त महाराष्ट्र करे। सरकार को भी चेतावनी, नशे का कारोबार ना करे सरकार। तो नाराज हमको चाहिए कि सब एनजीओ सब आप लोगों का साथ चाहिए, तब जाके हम इस नशे का नाश कर पाएंगे। और ये हमारी कोशिश है कि आप लोग हमारा साथ दें। ये चंद बातें थी आपके सामने रखने की, धन्यवाद। इसके बाद में बहुत सारे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अच्छी बात है, अच्छा बंदी मास्टर के सदस्य हैं नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र राज्य से हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक गांधी जी के जयंती के अवसर पर लगभग नशा मुक्ति सप्ताह करके गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, जो हर साल कार्यक्रम किए जाते हैं। तो हमारी यही रहती है हर साल कि हम चाहते हैं कि मुंबई में 31 दिसंबर को गेटवे ऑफ इंडिया में सेलिब्रेशन किया जाता है और वहाँ पे शराब और बाकी चीज़ों का भी सेवन किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये रही कि लगभग 7-8 साल से हम लोग 1 अक्टूबर को ये रैली निकालते हैं आज़ाद मैदान से गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार यूथ जो होता है वहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे नशे के बारे में संदेश भी दिया जाता है और क्या कहते हैं उसको, शपथ भी दी जाती है। पुलिस वगैरह सब इवन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ भी उसमें सहभाग लेती हैं। तो हमारी कोशिश है कि 1 अक्टूबर को तो ये हर साल हमारी रैली होती है, लेकिन ये साल जमात इस्लामी हिंद ने नशाबंदी मंडल के साथ जुड़कर एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। असलम काजी साहब भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं। तो ये जो कोशिश है, ये जो पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ नशाबंदी मंडल की ओर से। और जमात हर ज़िले में ये प्रोग्राम कर रही है। ऐसे अगर एनजीओ सामने आए, कुछ कम्युनिटी के लोग सामने आए या कम्युनिटी के जो भी ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो आज जमात इस्लामी हिंद के माध्यम से पिछली बार हमने मुमरा में भी ये कैंपेन किया था और इस बार पूरे महाराष्ट्र में ये कैंपेन होने जा रहा है। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। और नशे के बारे में काफ़ी अच्छा स्लोगन हमने लिया है, नशे का नाश, देश का विकास। क्योंकि विकास यानी क्या है, अगर ये विकास अगर यूथ ही नहीं रहेगा, यूथ ही हेल्दी नहीं रहेगा और यूथ ही ट्रैक पर नहीं रहेगा तो फिर विकास किसके लिए। तो ये नशे का नाश और देश का विकास जो टाइटल लेके हम चल रहे हैं, बीच में मोदी जी ने भी अपने एक मन की बात के स्पीच में कहा था कि युवाओं ने नशे के खिलाफ रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ प्रोग्राम बना ये हमने सुना ही नहीं दिया। तो हम ये चाहते हैं कि यूथ इससे बाहर आए, क्योंकि जो 40-50 साल के लोग हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तादाद में ऐसा सर्वे है कि कम लोग हैं वो इससे छूट सकते हैं, ये जो लत है इससे छोड़ पाते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है वो इस दौर में आया कैसे ना आए, इस याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काम केलं पाहिजे। आणि म्हणून जमाते इस्लामी हिंदच्या माध्यमातून ही जी मोहीम आहे, ही मोहीम निश्चित एक अवेअरनेसचं काम जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात करू शकेल असा मला विश्वास वाटतो। साधारणपणे लोकांना असं वाटतं की नशा हा विषय असा आहे की सरकारने एक कायदा केला की नशा सुटेल, किंवा दारूच्या, गुटख्याच्या किंवा इतरही नशेच्या पदार्थांच्या कंपन्या बंद केल्या
तर हा विषय सुटेल किंवा लोक पिणार नाही, तर हे फार वरवरचं वाक्य आहे. लोक जेव्हा दारू बंदी होते ज्या जिल्ह्यांमध्ये, लोक रॉकेल पितात आणि स्वतःची नशा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. तो ये काफी गंभीर मुद्दा आहे, सालों से चल रहा है. हर धर्म में इसे बंदी कहा गया है, पाबंद है. बहुत से धर्मों में, यानी लगभग सभी धर्मों में इस पर, सभी धर्मों में पाबंदी होने के बाद भी लोग, ये आदत लोगों की छुट्टी नहीं. तो ये विषय अवेयरनेस का विषय है. लोगों के मत परिवर्तन से ही हम लोगों को व्यसन मुक्त कर सकते हैं. हमारा जो अनुभव है कि जैसे अल्कोहलिक एनेमिक्स नाम की संस्था है, 22 साल लोग शराब न पीते हुए जीते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पिएगा कि नहीं पिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते. जिसने 22 साल से शराब छोड़ी है वो कल पिएगा कि नहीं पिएगा, ये एक मानसिक आधार है. काय म्हणता येईल, मानसिक आजार असल्यामुळे इसका जो सोल्यूशन है वो पूरी मन पर कंट्रोल आप किस प्रकार से कर पाएंगे, इसके लिए अवेयरनेस और इसके खिलाफ लोगों का मन बने, समाज का मन बने. और हम चाहते हैं कि ये विषय आने वाले इलेक्शन में प्रमुख मुद्दा बने, कि जब तक ये इलेक्शन का मुद्दा ना बनेगा तब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस पर ध्यान नहीं देगी और ये इससे सीरियसली काम नहीं होगा. तो हम ये चाहेंगे कि इस दौरान हम लोगों को अपील करें कि जिस पार्टी का डी एडिक्शन पर या नशे के संदर्भ में ठोस विचार है, कि जो चाहते हैं नशा खत्म हो जाना चाहिए या इस पर अच्छी भूमिका रखने वाले जो लोग हैं, ऐसी पार्टियों को हम लोग वोटिंग करें, ये भी आह्वान इस दौरान हम करना चाहेंगे. धन्यवाद. कोई अगर इतने हमारे दरमियान नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र के सेक्रेटरी अमोल मडामे जी और मैं असलम गाजी साहब अध्यक्ष APCR महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट करता हूँ. तो मीडिया के अभी दो बहनें चली गई, एक बहन है, बहनों कहता हूँ मैं जो चली गई उनसे को भी मैं संबोधित कर रहा हूँ, मीडिया की बहनों भाइयों और यहाँ मौजूद लॉ एंड ऑर्डर के हमारे जो भाई बैठे हैं उनको भी मेरा संबोधन. ये नारा जो है, स्लोगन, नशा का विनाश देश का विकास, नशे का नाश देश का विकास, इसको अगर उल्टा कर दें, नशे का विकास देश का विनाश, देश को विनाश होने से बचाना है हमें. आज परिस्थिति क्या है देश की और इस दुनिया की, आप गूगल पे एक टाइप कीजिए नशे से कितने लोग मरते हैं, गूगल आपको कुछ सेकंड में बता देगा. शराब से सारी दुनिया में हर साल 25 लाख लोग मरते हैं. शराब ही नशा नहीं है सिर्फ, नशे के और दूसरे बहुत सारे साधन लोगों ने बना रखे हैं, कई तरह के केमिकल्स, पाउडर, तंबाकू, क्या क्या. बल्कि अब तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो जो दवाएं मिलती है खांसी की, सिरप, कोरेक्स वगैरह या आयोडेक्स जो बाम है दर्द मिटाने का, दर्द नाशक, उससे भी नशा करते हैं. आयोडेक्स को मक्खन की तरह ब्रेड पे, रोटी पे लगा के खाना, पूरी एक बोतल कोरेक्स की जो हफ्ते में पी जानी चाहिए वो एक साथ पी जाना, उससे भी नशा होता है. तो नशे के इतने साधन बना लिए हैं लोगों ने, तो सोचिए कि सिर्फ शराब से 25 लाख लोग मरते हैं, तो मेरा अंदाज़ा है अमूल भाई के 1 करोड़ लोग जरूर मर जाते होंगे साल में अलग अलग तरह के नशा करने से. वो कितनी बड़ी संख्या है 1 करोड़,
इतनी बड़ी संख्या में लोग हर साल मर जाते हैं। पहले जितनी देर में हमने ये आपके सामने आधे घंटे में जो बातें रखी हैं, तो अब तक पूरी दुनिया में नशा करने से 30-35 लोग मर चुके होंगे और कितनी तेजी से। तो क्या ये विनाश हमको रोकना नहीं चाहिए? हम सब मिलकर इस विनाश को रोकना चाहते हैं भाइयों। तो बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, जमात इस्लामी ने छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम किए अलग अलग यूनिट्स में, लेकिन अब ये तय किया कि पूरे राज्य में एक अभियान चलाना होगा। और सबसे ताकतवर जो हमको सहयोगी मिल सकता था वो नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र, जिसकी कार्यकारिणी में मैं एक सदस्य भी हूँ। ये लोग तो साल भर ये काम करते रहते हैं, अमोल मडामी जी और वर्षा विलास जी, वो जनरल सेक्रेटरी है, और पूरी टीम है, हर जिले में उसके जो है संयोजक है, ऑर्गेनाइजर है। जमात इस्लामी ने उन सब हर जिले में नशाबंदी मंडल के जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ में और हमारे जो लोग हैं वो मिलके इसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा एक नेटवर्क है नशे का, उसको तोड़ना बहुत आसान काम नहीं है, उसको बहुत ताकत लगा के तोड़ना पड़ेगा। और ये बढ़ते जाता है, सर्वे में बताता है कि अगर एक आदमी छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके जो दोस्त संगति होते हैं ना, वो उसको अरे छोड़ यार चल पी ले, तो फिर शुरू हो जाता है। या घर का टेंशन कोई होता है ना, माहौल ऐसा है। और ये नशे का सिर्फ ये पी के मर जाता आदमी इतना नहीं, और कितने नुकसान होते हैं अगर कोई पी के ड्राइविंग कर रहा है। रोड एक्सीडेंट में बहुत बड़ा एक रेशियो है, अनुपात है, जो नशा पी के चलाते हैं वो खुद भी मरते हैं, दूसरे को भी मार डालते हैं। और इससे कितनी किस्म किस्म की बीमारियां होती हैं, बड़े बड़े रोग हैं जिन जो कंट्रोल में नहीं आते। कैंसर जो सबसे डेंजर बीमारी है, कैंसर वो तंबाकू गुटखा इन चीज़ों से होता है। और एक बहुत पहले भयानक बीमारी थी, उसको कंट्रोल कर लिया था, क्षय रोग टीबी ट्यूबरक्लोसिस, वो वापस आ गया देश में। बम्बई में हर महीने में 4-5 लोग उससे मर रहे हैं। टीबी इसका डायरेक्ट इफेक्ट है नशे का, शराब का, उससे फेफड़े, टीबी में फेफड़े खराब होते हैं, और नशा और शराब फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा। ट्यूबरक्लोसिस होता है, और भी दूसरी कई बीमारियां होती हैं। तो सिर्फ नशे से नहीं मरता, बल्कि रोड एक्सीडेंट में नशे वाले मारते भी हैं, मर भी जाते हैं, इसी तरह से बीमारियों से मरते हैं। और बीमारियों का इलाज, किसी घर में अगर कोई कैंसर का रोगी है, मतलब वो पूरा घर तो कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया है। आत्महत्या करते हैं लोग, फिर यही नहीं, घर फैमिलियाँ टूटती हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, हाँ क्या क्या बीमारियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, साइड इफेक्ट्स। जो रेप होते हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ ये नशे का है। नशा करके आदमी होश खो देता है, तो वो अपना पराया क्या, वो किसी को कोई देखता नहीं। आज तो घरों में भांजियाँ भतीजियाँ भी महफूज नहीं है, है? चाचा ताया मामू कजिन किसी से और लड़की महफूज नहीं है। जरा सा नशा किया कि वो भाई भाई नहीं रहता, शैतान बन जाता। चाचा चाचा नहीं रहता, शैतान बन जाता। तो हमारा समाज जो है वो नर्क जैसा बन गया नशे की वजह से। तो इसमें नर्क में रहना हमको पसंद है क्या भाई? हैं हम कल या आज दूसरों के साथ हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, कल मेरे घर में भी हो सकता है ना। तो इसकी रोकथाम सिर्फ नशाबंदी मंडल वाले करें, या जो एनजीओ कर रहा है, या सरकार की जो भी एंटी नार्कोटिक्स टीम है वही करें। मैं नहीं करूँगा, मेरे घर में तो है नहीं। अरे मेरा बच्चा कॉलेज में कैसी संगत दोस्तों के साथ में, कल वो नशा करने लग गया तो, अरे किसी नशेखोर ने मेरी बेटी को रेप कर दिया तो,
अरे किसी नशेखोर ने मेरे बूढ़े बाप को टक्कर मार दी गाड़ी से, साइकिल से, स्कूटर से, वो मर गया तो पूरे चांसेस हैं कि किसी नशाखोर की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाए, है ना। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि नहीं। हम सब बैठे हैं पुलिस वाले भाइयों, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, जो नेतागण है उनकी भी जिम्मेदारी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर एक दबाव बनाना चाहिए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इनको भी जो है फंड देती है कि आप नशाबंदी करो, और उधर लाइसेंस भी देती है फैक्ट्री को, बनाओ शराब बनाओ, दारू बनाओ, है ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो हमारे देश को कहीं का नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट पे अगर आप सवाल पूछे तो गवर्नमेंट बोलती है सबसे ज़्यादा खजाने में पैसा जो है वो शराब पे जो टैक्सेस लगते हैं उससे आता है, यानी जहर बना रहे हैं, जहर बेच रहे हैं, अपनी जनता को मार रहे हैं कि पैसा मिल रहा है उससे जहर बेचने से, है? तो ये कुरीतियाँ और कुनीतियाँ समाज में, ये जो है हम सब सोए हुए हैं इस जुर्म, एक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है इसके खिलाफ, हम सब सोए हुए हैं। तो हम सब मर जाएंगे, विनाश हो जाएगा हम सब का। इस विनाश से देश को बचाना है तो नशे को विनाश करना पड़ेगा, नशे के जितने पदार्थ हैं उन सबका विनाश करना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा भाइयों, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे देश। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये हमारा मुल्क जो है इस वक्त सुपर पावर बन सकता है, अमेरिका और रशिया वो तो दुनिया में लड़ लड़ के सब बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास मैन पावर है। सबसे ज़्यादा मैन पावर किसके पास है देश में, दुनिया में, या चाइना के पास है या इंडिया के पास है। तो चाइना को तो उन्होंने अफीम खिला खिला के उसको बर्बाद कर दिया, हाँ अब इंडिया का नंबर है। हमको हमारी नौजवान पीढ़ी को जो है बर्बाद किया जा रहा है ताकि हम जो है सुपर पावर ना बन सकें, पूरे जो है इस विश्व के हम जो है लीडर बन सकते हैं, विश्व को सही मार्ग पे सही दिशा पे हम चला सकते हैं, लेकिन हमारे नौजवान पीढ़ी को नशे की लत लगा के बर्बाद किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम सबको उठना चाहिए और यही हमारी मुहिम है भाइयों, ये अभियान है, ये कैंपेन है, और ये 8 दिन में बंद नहीं होगा, ये 8 दिन अवेयरनेस के लिए, फिर हम सब मिलके कंधे से कंधा जोड़ के हाथ से हाथ मिला के इस नशे के खिलाफ हमको लड़ना है। हम सब लड़ेंगे ना भाइयों, लड़ेंगे ना इसके खिलाफ इंशाल्लाह। ये बताइए पहले पति शराब पी के आता था तो पत्नी आत्मा क्या कर ले, ऐसा है कि औरतों में ज्यादा शराब पीने की आदत हो बढ़ रही है, बहुत चिंताजनक बात है भाई साहब। वो माँ जो अपने बच्चे को संस्कार देती है वो भी पीने लगेगी तो फिर कहाँ संस्कार है, सारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, हमारी नस्लें, बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे इन्होंने बताया था महिला विंग काम कर रही है और महिलाओं के साथ में स्कूलों में हम जाते हैं, पेरेंट्स को लक्चर देते हैं कि अपने बच्चों को अपने बच्चे के दोस्तों पे नज़र रखिए, हाँ वो मार सकती है, कौन दोस्त है, बाप तो सुबह निकल गया धंधे पे, काम पे, ड्यूटी पे, वो तो रात को आएगा, माँ को मालूम है बच्चे के दोस्त कौन है, बच्चों के दोस्तों को पहचानना कि उनमें कोई नशाखोर तो नहीं है, बच्चे की आदतों पे नज़र रखना, बच्चा घर से कुछ चीज़ें ले जा तो नहीं रहना, पैसे तो नहीं पार कर रहना, चीज़ें तो ले जा के कम गुम नहीं हो रही घर से। नोट कीजिए, सुझाव नोट कीजिए। साढ़े 3,000
ताली लेने वाला ये क्या है, ऊपर ऊपर कर ताली लेने वाला ये स्टेटमेंट है कि बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। लेकिन एक तुम साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर के हिसाब से अगर ये देखो तो एक जो जिसको डिपेंडेंट जो है, जो शराब पे डिपेंड है, जो गुटखा पे डिपेंड है, जो किसी भी लत पे डिपेंड है, वो सिर्फ बंद करने से बंद नहीं होता, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि इसके बारे में जब हमने एक सेमिनार लिया था तो KM के जो डॉक्टर हैं दीन ज्या होत्या नाव विसरलं मी त्यांच्या, तर त्या डीनचं असं म्हणणं आहे की अख्खे नशे के सभी पदार्थों को तुम समुद्र में डुबा लो फिर भी उससे बंद होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम अगर फैसला करो कि मैं नहीं करूँगा तो ये बंद हो सकता है। तो ये क्या है, ताली लेने के लिए अच्छे वाक्य हैं कि सब बंद हो जाना चाहिए, उससे सब होगा। बंदी है महाराष्ट्र में, क्या मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में बंदी है। अगर किसी को दारू पीना है तो लाइसेंस निकालना पड़ता है। अभी माल प्रैक्टिसेस क्या चालू है कि जो शराब की दुकान है वो ये फॉलो नहीं करती है, बार वाले जो है वो ये फॉलो नहीं करते हैं कि किसको तुमने दारू दी। आज सिर्फ दो बॉटल तुम लेके जा सकते हो वीकली, रोज बॉटल दी जा रही है, हर व्यक्ति जितनी बॉटल चाहे उतना ले सकता है। हाँ, तो वो जो निर्बंध है, मर्यादा जो है, उसका कहीं पे भी पालन नहीं हो रहा है।
तो ये क्या हो गया है, ये सिर्फ कुछ लोगों की मूवमेंट हो गई है, क्या इसमें पुलिस प्रशासन हमें साथ देगा, ये मेरा क्वेश्चन। पुलिस प्रशासन कैसे साथ देगा जबकि जो कहते हैं वो कमजोर हो गई है। हाँ, तो वही मैंने कहा, दो मुद्दे मैंने लिए कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन में अगर ये जब तक इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनने के लिए अवेयरनेस का काम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि कानूनन जिस भी वार्ड में गांव में नशाबंदी करनी है उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स तो है लेकिन वो रूल्स काफ़ी क्या कहते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी 51% लोगों ने कहना चाहिए, अरे जब 40% 50% वोटिंग होने के बाद अगर कोई आमदार खासदार बनता है तो ये नशे के ही बारे में क्यों। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नशाबंदी चाहते हैं लेकिन कैसे चाहते हैं, अगर चंद्रपुर में आज नशाबंदी हुई 2 साल पहले, लेकिन जो डिपेंडेंट लोग हैं वो डिपेंडेंट लोगों को तुमने छोड़ दिया पूरी तरह से, उनका इलाज नहीं किया, तो क्या हो रहा है उसमें अवैध दारू निर्माण होती है और वो पी जाती है, फिर उससे लोग मरते हैं। बीच में दारूबंदी क्यों खुली महाराष्ट्र में, क्योंकि कुछ जिलों में लगभग 150 लोग मर गए थे, अंधे हो गए थे, तो वो कारण आगे करके महाराष्ट्र शासन ने दारू खुलवाई थी। तो इसके अलग अलग इफेक्ट्स है, लोग कहने के लिए ये एक वाक्य से सब नहीं होता है, यानी इस पर एक इलाज नहीं है, एक इलाज यानी हम बंद कर दिए, या जैसे क्या अभी 3397 का 497 हटा दिया तो सब हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आप हर व्यक्ति पर नज़र नहीं रख सकते और उसके चॉइस बहुत है। आज तंबाकू कुछ एरिया में जैसे हम पान सुपारी देते हैं, लोग तंबाकू देते हैं। चंद्रपुर में आज दारू बंदी है लेकिन आदिवासी लोगों को अलाउड है क्योंकि वो उनका कल्चर है। तो ये इतने मुद्दे हैं, इसमें सांस्कृतिक मुद्दा है, इसमें धार्मिक मुद्दा है। कुछ लोग भगवान को शराब देते हैं और फिर वो प्रसाद करके पीते हैं, तो ये ऐसा, ये सिर्फ एक वाक्य से, क्योंकि क्या है नज़र में ऐसा आता है दरा शराब की दुकान बंद होगी तो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए वो लोगों की उतनी यूनिटी, उतना अवेयरनेस और वो समाज में माहौल बनना चाहिए कि ये नहीं चाहिए करके। और ये सिर्फ इससे ऐसा नहीं, हम जो टीवी देखते हैं आज, पहले वो राजेश खन्ना की फिल्म आती थी, वो कहता था है दिल पी कर झूमे, इन बस्तियों में घूमे, यहाँ तुझे बदनाम होना है, हुआ हुआ हुआ, यानी उस वक्त हीरो कहता था, सुपरस्टार कहता था कि शराब पियोगे तो बदनाम होगी। आज क्या है, आज आप देखोगे तो हर हीरो के हाथ में पैक रहता है और वो संवाद करता है। आज हीरो और विलन में कोई फर्क नहीं रहा है, हीरो भी दारू पीता है और विलन भी दारू पीता है। तो ये सिर्फ एक समाज के प्रति नहीं, तो जो जो भी माध्यम है वो सभी माध्यम में इसके खिलाफ माहौल बनेगा तो फिर वो लोगों के सामने नहीं आएगा। अगर सलमान खान कहेगा हमको पीनी है हमका पीनी है, अगर ये गाना बनता है और वो हिट होता है और सलमान जैसे फिट रहने वाला युवा, या क्या कहते हैं युवा भी कहेंगे ना, अभी इतना फिट वो है, वो अगर ऐसा कहेगा तो 15-16-17 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या समझ में आता है। तो ये जो अट्रैक्शन की चीज़ें चल रही है, जिस प्रकार से ये इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये सब बातें लेकर इस पर माहौल बनता है, कोई एक बात करने से ये माहौल नहीं बनता है। मैं लोगों को लगभग हमेशा समझाता हूँ तो आप सिर्फ एक टेंटेटिवली उपाय बताते हैं लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक एनेमिक्स जो 1935 से काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर, उनका ये सर्वे है, वो तो शराबी ने शराबियों की लत छुड़ाई है, उनके मीटिंग्स होते हैं काफ़ी चर्च में वगैरह, ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है
और इसके अलग अलग पहलू है, वही मैं रखना चाहता हूँ। शराब बंदी, हर चीज़ की बंदी, क्योंकि मैं डांस बार बंदी में मैंने खुद काम किया है, असलम गाजी साहब भी थे। और मैं आपको कह दूँ कि डांस बार में जाना, छुपा कैमरा, तब तक अच्छे मोबाइल भी नहीं आते थे, नोकिया का एक फ़ोन आता था, उस पर मैंने शूट किया, गवर्नमेंट को दिया। आज डांस बार बंद है ऑफिशियली, जो 5-10 जहाँ पे भी चालू है, जैसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम वहाँ पे कार्रवाई करने को बोलते हैं। दूसरी बात, हमने एक मूवमेंट चलाई थी कि जो अनाज से शराब बनाने की कोशिश थी अशोक चव्हाण साहब के राज में, तब हमने गुड़ी पाड़वा के अवसर पर अशोक चव्हाण को दारू का थम्बा गिफ्ट किया, और ये टीवी में चला। टीवी में चलने के बाद अन्ना हजारे ने भी आह्वान किया कि हर सरकारी अफसर को, तहसीलदार को दो, जिलाधिकारी को दो, आप शराब की बोतल सेंड करो, भेजो। तो उससे क्या हुआ कि 36 जो कारखाने थे उस पर निर्बंध लगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस उसकी मूवमेंट चलनी आवश्यक है। कायदे से भी लड़ेंगे और लोगों को साथ लेकर भी हमें लड़ना होगा, और लेकिन उसके पहलू भी ध्यान में रखते हुए। हम शराब बंदी के खिलाफ है ऐसा नहीं है, हम भी साथ में हैं, लेकिन वो बंदी यानी प्रैक्टिकल बंदी कैसे हो। यहाँ पे 10 लाख लोग चंद्रपुर में लगभग 2-4 लाख लोग घूम रहे हैं जो डिपेंडेंट हैं, 7 बजने के बाद उनको चाहिए ही, फिर वो अवैध तरीके से दारू लेते हैं, नहीं भी तो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ अलग खा लेते हैं। तो वो डिपेंडेंट लोगों को भी कहीं पे एडमिट करना चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको एडमिट करना चाहिए, तो फिर ये शराब बंदी का जो प्रयोग है वो यशस्वी हो सकता है। तो मैंने इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सामाजिक इफेक्ट और कौन से माध्यम से ये बंद हो सकता है, ये भी रखने की मैंने कोशिश की है। मैं ये कहता हूँ, सिर्फ जो कानून है, अगर ये कानून भी गवर्नमेंट, पुलिस अधिकारी इसका भी अगर पालन करे तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी। और हर पुलिस स्टेशन को मालूम है कि स्कूल के बाहर वो पान टपरी पर तंबाकू मिलता है, गुटखा मिलता है, तो बच्चे क्या हमारे ही है? बच्चे पुलिस वाले के नहीं है? अगर व्यक्ति खुद के स्वार्थ के लिए जिएगा तो ये तो रिजल्ट ऐसे ही आने वाला है। यानी हम हमारे कर्तव्य के प्रति अगर अवेयरनेस नहीं रखेंगे, जवाबदार नहीं रहेंगे, तो हर व्यक्ति कितनी मूवमेंट है चलाएगा। ये इतना माइक्रो लेवल का मुद्दा है कि हर व्यक्ति पर कैसी नज़र रखी जा सकती है। तो इसलिए सरकारी यंत्रणा, हमारे जैसे NGO, समाज के घटक, इन सभी ने मिलकर इस विषय को आगे लेके जाना चाहिए, तो ये सब बंद हो सकता है। जैसे डांस बार की मूवमेंट चली, डांस बार बंद करना छोटी बात नहीं थी। एक एक डांस बार के मालक पे दो खून रजिस्टर है, सब क्रिमिनल बैठे हुए थे, फिर भी मूवमेंट बनी, उस मूवमेंट ने माहौल बनाया, प्रेशर लाया गवर्नमेंट पर, और डांस बार बंद हुए। 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री कहा जाता था, हमने उनको क्वेश्चन किया, इंडस्ट्री यानी क्या होता है? जो कोई उत्पादित करता है उसे इंडस्ट्री कहते हैं, ये तो बर्बाद कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री कहते थे। तो ये बंद हो सकता है, मैं काफ़ी आशावादी हूँ कि ये चीज़ भी बंद हो सकती है, लेकिन हमें सबको साथ लेकर और थोड़ा प्रैक्टिकल विचार कर, थोड़े क्या कहते हैं कि साइंटिफिक विचार कर, साइकोलॉजिकल विचार कर भी ये हमें मूवमेंट आगे चलानी पड़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करता, मुंबई के तालुक से बोलता हूँ कि मुंबई में भी दिन ब दिन नशे की लत बढ़ते जा रही है, और यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह, हमारी पुलिस का नाम तो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इसका के बाद मुंबई के नंबर लगता है। अगर हमारी पुलिस जाएगी ना तो ये बिल्कुल खत्म हो सकती है, मगर इच्छा शक्ति किसी में है नहीं। आज आप देखो
तो दारू की दुकानों के बाहर भी लोग शाम के टाइम में खुले आम खड़े रहते दारू पीते थे। इससे पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग घरों पर लेके आके पिया करते थे, और आज तो आप देखो दुकानों के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है। वही से हमारी माए बहने नौकरी वाली लड़कियाँ आती जाती है, तो क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं दिखता है? सब दिखता है, सब नजरअंदाज करते रहे। अरे नजरअंदाज करते रहे, नतीजा है कि आज जो है क्राइम कीमत भी बढ़ते जा रहा है। हमारे यहाँ मैं भाटू सोलापुर में रहता हूँ, ये नशे की लड़की वजह से 3 मर्डर हुए एक साथ में 10 मिनट के अंदर, क्योंकि वो जो लड़का उसको नशे की आदत लगी हुई थी तो वो लोगों से हफ्ता वसूल करता था। अब उसको उसकी जाति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों की भी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। फिर तो जो धंधे व्यापार वाले थे भाटी वाले, उन्होंने बर्दाश्त किया, उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। 2 बेटे और 1 बाप थी, क्या हुआ थोड़े से पैसों के लिए नशे की आदत में नशा करने की एक लड़की वजह से एक घर के 3 लोग मारे गए। तो ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की, अगर पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार रही तो खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं ये कह दूं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कि शराब का रेट बढ़ाओ, शराब का रेट बढ़ाओ तो शराब कम पी जाएगी। तो कौन से साल में शराब कम पी गई? हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट की, हम सब एक ही समाज में रहते हैं, खाली पुलिस ही का गुना नहीं है, हम सबका गुना है, हम सब गुनहगार हैं भाई। पुलिस की जिम्मेदारी है उसको करना चाहिए, हम सबकी भी नागरिक नहीं, हम अगर सपोर्ट देंगे तो वो अवेयर होंगे ना, नहीं तो हम दुर्लक्षित करेंगे तो उनका तो चलता रहे। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, ऊपर भी नजर रखना अपना काम है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही है, पुलिसिंग हमको करनी चाहिए कि शराब की कीमत बढ़ाओ तो लोग कम पिएंगे। अभी आपके ऑफिस के बगल में तो, हाँ तो मैं, हमें लोग बड़े बड़े हमारे क्षेत्र में कार्यरत लोगों ने ये कहा है कि शराब की कीमत बढ़ाओ तो लोग कम पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। शराब की कीमत मत बढ़ाओ, वो एकदम सस्ता कर दो, उससे उत्पादन लेना, गवर्नमेंट को उससे उत्पादन नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को, हाँ गवर्नमेंट को अगर उत्पादन मिलेगा, गवर्नमेंट क्या करती है, हमें 18,000 करोड़ मिल रहे हैं, अरे 18,000 करोड़ मिल रहे हैं लेकिन 180 करोड़, 1,80,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये सर्वे है कि 10 गुना जितना उत्पादन मिलता है 10 गुना उसका इफेक्ट होता है। मियां बीवी के झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, यानी कायदा सुरक्षा रेप होते हैं, कायदा सुरक्षा बीमारी बढ़ती है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का यूज होता है ये सब कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें तो 10% और खर्चा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि शराब का ये रेट बढ़ाए, फिर शराब का रेट बढ़ाते हैं, फिर वो मालवनी में 108 लोग मर गए, सिर्फ 10 रुपया का बॉटल मिलता है इसलिए 108 लोग मर गए, तो इसके कितने इफेक्ट है। और शराब का व्यापार ना करे सरकार, ये हमारी घोषणा है कि शराब से उत्पादन मत लो, तुम शराब से उत्पादन लेते हो इसलिए तुम प्रमोट करते हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको प्रमोट ना करे, जिसको पीना है वो पिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट ये हमारी भूमिका है। संविधान कहता है क्या कि कल्याणकारी राज्य निर्माण करना ये हमारा काम है, तो अगर वेलफेयर स्टेट ये हमारी भूमिका है तो शराब बेचना किस कौन से राज्य की, कौन से वेलफेयर स्टेट की भूमिका हो सकती है? तो इसलिए शराब का व्यापार ना करे सरकार, ये भी घोषणा हम इस वीक में देने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम नशे का नाश देश का विकास, मध्यंतरी मोदी साहेबांनी सुद्धा त्यांच्या एका भाषणामध्ये युवकांनी नशेपासून लांब राहिलं पाहिजे याविषयी भाष्य केलं होतं, परंतु त्यानंतर कोणत्याही सरकारने या विषयावर काम केलेलं नाही। आज जमाते इस्लामी हिंद आणि नशाबंदी मंडळाच्या वतीनं महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यामध्ये आम्ही नशामुक्ती अभियानाच्या माध्यमातून, सप्ताहाच्या माध्यमातून हे अवेअरनेसचा कार्यक्रम करतो आहे, आणि या दरम्यान आम्ही लोकांना आवाहन करणार आहोत की जर तुम्हाला वोटिंग करायचं असेल, जो पक्ष या महाराष्ट्रामध्ये नशेला समाप्त करेल, नशामुक्त महाराष्ट्र बनवेल, त्याच पक्षाला तुम्ही वोटिंग करा। आणि आमचा एक नारा असणार आहे, नशे का कारोबार ना करे सरकार, म्हणजे नशा का व्यापार
ना करे सरकार अशा पद्धति ने आमचा एक तारा असणार आहे, अवेअरनेस प्रोग्राम असणार आहे, लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे, लोकांना दुष्परिणाम नशेचे काय आहे त्याच्यासून मुक्त कसं व्हायचं आणि सरकारने काय केलं पाहिजे, पोलीस प्रशासनावर कसा दबाव येईल यासाठी पुढच्या काळात आम्ही कार्यरत असणार. कुठे कुठे रॅली आयोजित केली जाईल आणि कोणकोण सहभागी होणार? इथे आझाद मैदान ते गेटवे ऑफ इंडिया या दरम्यान 1 ऑक्टोबरला ही रॅली आयोजित करण्यात आलेली आहे, ज्यात 4 ते 5 हजार युवक दरवर्षी ते जमा होतात आणि महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री, व्यसनमुक्ती कार्यमंत्री पण राजकुमार बडोले साहेब स्वतः उपस्थित राहतील. DCP त्रिमुखे जे आहेत ते स्वतः युवकांना नशामुक्त राहण्याची शपथ देणार आहे. त्याचबरोबर 2 ऑक्टोबरला अंधेरी येथे जमाती इस्लामी हिंदच्या माध्यमातून एक मोठा मेळावा, एक संकल्प मेळावा, ज्यात युवक, महिला आणि पुरुषांच्या माध्यमातून एक संकल्प घेण्यात येणार आहे की ज्यात लोकांनी व्यसनांपासून लांब राहायचं आहे अशा पद्धतीचा एक मेळावा सुद्धा आयोजित करण्यात येणार.